How to install Google Pixel 3 camera with night sight mode on Redmi Note 5 Pro. Hi friends, welcome to technobuzz.net. आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi Note 5 Pro के अंदर Google Pixel 3 का जो कैमरा है जिसके अंदर आप नाइट मोड को जो यूज़ कर सकते हैं उसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल के सारे अपडेट्स मिलते रह सकें। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये Redmi Note 5 Pro है। सबसे पहले आपको क्या याद चेक करना है कि आपके फ़ोन के अंदर कैमरा टू API जो है इनेबल्ड होना चाहिए। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि आपको TWRP रिकवरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, अपने फ़ोन को रूट करना पड़ेगा कैमरा टू API को इनेबल करने के लिए। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने सिर्फ अपने फ़ोन को अनलॉक बूटलोडर किया था और उसके बाद हमने इजीली अपने फ़ोन के अंदर कैमरा टू API को इनेबल कर लिया था। उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर से जो मैनुअल कैमरा कंपेटेबिलिटी टेस्ट एक एप्लीकेशन होता है उसको स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद आपको ये सारे के सारे आइकन जो है ग्रीन दिखने चाहिए। दैट मीन्स कि कैमरा टू API जो है आपके फ़ोन के अंदर इनेबल्ड है। इसको इनेबल करने के लिए आपको अपने फ़ोन में रूट करने की जरूरत नहीं है ना TWRP कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करने की जरूरत है। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपका फ़ोन का बूटलोडर अनलॉक होना चाहिए और कुछ कमांड्स को रन करके आप कैमरा टू API को इनेबल कर सकते हैं। उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जिसको देख के आप इजीली इसको कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, गूगल कैमरे को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए मैंने नीचे लिंक दे रखा है जिसमें आपको 2-3 APK फाइल्स मिल जाएंगी, कोई ना कोई जो है आपके MIUI वर्जन के ऊपर काम करेगी। हमारे पे जो काम कर रही है वो आपके वाले पे ना काम करे, इसलिए मैंने 3 लिंक दे दिए हैं नीचे आपको। उसके अंदर आपको 3 फाइलें मिलेंगी, उसमें से कोई ना कोई APK फाइल आपके फ़ोन में काम करेगी। आपको क्या करना है, उस फाइल को सेव कर लेना है, अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाना है। मैं दिखाता हूँ, हमने फाइल मैनेजर के अंदर फाइल सेव कर रखी थी ऑलरेडी। ये देखिए, ये वो फाइल है MGC 6.10.21 फाइनल वर्जन A8.1+APK। ऐसी आपको 2 फाइलें और मिल जाएंगी, अलग अलग APK फाइल्स। अगर ये काम नहीं करती है तो आप अगली फाइल को उठा सकते हैं। आपने सिर्फ इसको टैप करना है और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूं तो मैं बार बार इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। तो आप उसके बाद जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे आपको अपने फ़ोन के अंदर एक कैमरा और देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको 2 कैमरे शो कर रहे हैं। एक हमारा MIUI का कैमरा है जो हमारा ऑलरेडी Note 5 Pro के अंदर देखने को मिलता है और एक हमारा जो है गूगल कैमरा है। अब मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ आपके सामने। तो आपको कुछ जो है गूगल पिक्सल 3 का जो पूरा का पूरा लेआउट देखने को मिलता है। आपको उसमें पैनोरामा मोड, पोर्ट्रेट मोड, कैमरा, वीडियो और मोर सेक्शन में जाएंगे तो आपको नाइट साइट मोड भी मिल जाता है जिसे हम नाइट मोड भी कहते हैं, जो नाइट में यानी लो लाइट कंडीशंस में अच्छी पिक्चर्स को क्लिक करता है। सिर्फ आपने क्या करना है, जहां भी आपको लगता है लो लाइट कंडीशन हो, थोड़ी बहुत लाइटिंग होनी चाहिए उस जगह में। ये नहीं हो कि बिल्कुल ही अंधेरा हो तो तब इतना अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। थोड़ी बहुत लाइटिंग होनी चाहिए जहां से ये कैमरा जो है आपकी जो जितनी भी आसपास की लाइट्स है उनको कैप्चर करें और उसके बाद जो है फोटो को क्लिक करें। जैसे आप नाइट मोड पाएंगे आपको नीचे एक नाइट मोड का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको आपने क्लिक करना है। कोई भी फोटो आपने क्लिक करनी है उस पर फोकस करेंगे और टैप करेंगे, उसके बाद होल्ड स्टिल बोलेगा, थोड़ी देर होल्ड स्टिल रखना है आपको और थोड़ी देर में जो है इमेज जो है कैप्चर हो जाएगी और प्रोसेस होगी और उसके बाद जो है पिक्चर जो है बिल्कुल ठीक तरीके से क्लैरिटी जो है उसकी ठीक हो जाएगी। यानी कि जो भी लो लाइट कंडीशन थी उसमें लाइटनिंग इफेक्ट के जरिए जो लाइट कलेक्ट की थी कैमरे ने इस फीचर के थ्रू, उसके थ्रू कैमरे में उस पिक्चर को ठीक कर देगा। यानी कि नाइट मोड में आप अच्छी बेटर क्वालिटी की पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, आपको मोर पर जाना है और नाइट साइड के ऊपर क्लिक करना है। यही नहीं, इसके अंदर आपको और भी काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अंदर, आप इसके अंदर जो है 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इस कैमरे के अंदर और HD 1080p भी आपको मिलता है और फ्रंट कैमरा में सिर्फ आप 1080p की ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाकी अगर आप बोलेंगे स्लो मोशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्लो मोशन जो है इस टाइम पे इन कैमरों में नहीं चल रहा है। मे बी आने वाले बिल्ड्स में जो है ये सारी चीज़ें काम करना करें। तो सिर्फ आपको एक APK फाइल डाउनलोड करनी है जो मैंने आपको बताई थी, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। फोन को रूट करने की जरूरत नहीं है ना TWRP रिकवरी इंस्टॉल करने की जरूरत है। उसका भी लिंक मैंने दे दिया है कैसे आप कैमरा टू API को इनेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।